हेलो दोस्तों, आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर का, उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सुरको टाडा से। सुरको टाडा जो गुजरात में स्थित है, जो इम्पोर्टेंट साइट है ये गुजरात की, सुरको टाडा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स मिले, मगर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हॉर्स बोन्स के रिमेन्स मिले, मगर ये NCERT में सत्य नहीं है कि हॉर्स बोन्स के रिमेन्स मिले हैं, क्योंकि NCERT एज्यूम करती है मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं ये डंकी के हैं, तो इसलिए ये कंफर्म नहीं है। ये टेंस जो है, फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन इज नॉट कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट साइट हम देखते हैं वनावली। वनावली जो है हरियाणा में स्थित है, और ये सरस्वती रिवर जो ड्राइड हो गई है, जिसे हम मिथिकल रिवर मानते हैं। मिथिकल रिवर वो होती हैं जो हम रिलीजियसली उनको फॉलो करते हैं, मगर वो प्रेजेंट में उनके प्रूफ नहीं है। तो मिथिकल रिवर, टॉय प्लग मिला है, बार्ले ग्रेन मिले हैं, लेपिस लजूली। लेपिस लजूली क्या होता है? लेपिस लजूली एक ये इस तरह का पत्थर होता है, नीले कलर का, जेम्स स्टोन होता है, इसको लेपिस लजूली बोलते हैं। ये लेपिस लजूली मिला है। फायर अल्टर मिली, हम फायर अल्टर्स के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक तरह का मंडप का बीच में जहाँ आग लगाते हैं, उस जगह को फायर अल्टर कहते हैं। ओवल शेप सेटलमेंट, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बनावली एक ओनली सिटी है हमें जहाँ पर रेडियल स्ट्रीट प्रेजेंट है। रेडियल स्ट्रीट का क्या मतलब हुआ? रेडियल स्ट्रीट का मतलब हुआ कि मान लो ये विलेज है, और इस विलेज में इधर से आ रही है गली, इधर से आ रही है, इधर से गली आ रही है, ये रेडियल हुआ। और मान लो अगर ये विलेज है और गली जो है राइट एंगल पर कट रही है, तो ये तुम्हारा अलग तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इस पर गलियां कट रही हैं, तो ये रेडियल विलेज होता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे क्या है, आलमगीरपुर। ये इम्पॉर्टेंट है UPPCS के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न, इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि ईस्टर्न जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है ये, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। दूसरा क्या है, ये जो है यो बैंक ऑफ रिवर पर स्थित है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ से जानी। पहला क्या जाना कि बैंक ऑफ यमुना जो है, बैंक ऑफ यमुना उस पर स्थित है ये, और ईस्टर्न मोस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फाइंडिंग्स इन्होंने बताई हैं, जैसे कॉपर की प्लेट मिली है, ब्लेड मिले हैं, सिरेमिक आइटम्स मिले हैं, क्लॉथ्स मिले हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा रीज़न क्या है मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या प्रीकर्सर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि ये साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले पाई जाती। लास्ट में हम सारी साइट्स का एक बार मैप देख लेते हैं कि कौन सी साइट्स कहाँ पर स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हम देखते हैं, पहली साइट देखिए आप, आलमगीरपुर इंदस वैली यमुना के वेस्टर्न साइड में है, और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट है किसकी, इंदस वैली सिविलाइजेशन की। आलमगीरपुर हो गई, हड़प्पा रावी रिवर पर है, हमने जैसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरा सुतको जैंदौर वेस्टर्न मोस्ट साइट है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो देखो इंदस वैली पर है। चुनहुदारो, जो जो नाम बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अमरी धोलावीरा गुजरात इंडिया में है। सुरको टाडा भी हम डिस्कस करें गुजरात में है। लोथल डॉकयार्ड स्थित है, गुजरात में है ये। तो ये इस तरह से सारी साइट्स का एक बार मैप ज़रूर देख लेना। आप याद करने की कोशिश मत करना, बार बार रीड करेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरा साइट्स ब्रीफ में कवर की हैं। फ्यूचर में इसे हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। थैंक यू।